मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए द्वितीय सावधिक परीक्षा अर्थात सेकेंड टर्मिनल कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 को हल करेंगे, अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। द्वितीय सावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1, 2, 3 को हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके अवश्य देखें। साथ ही साथ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए प्रथम सावधिक परीक्षा हेतु कक्षा 12 विषय भूगोल के पांचों मॉडल प्रश्न पत्रों को व्याख्यात्मक रूप से हल कर चुके हैं, इसका भी लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसे भी क्लिक करके अवश्य देखें, क्योंकि दोनों सावधिक परीक्षा 24 मार्च से एक ही साथ आयोजित होने वाली है, अतः दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम सावधिक परीक्षा हेतु जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र सभी बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय सावधिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र में व्याख्यात्मक रूप से उत्तर देना है, हल करना है, अतः दोनों मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करना अति आवश्यक है। और हाँ, चैनल में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे, मिलता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4, पूर्णांक 35 मार्क्स का, समय 1.5 घंटा है। यह है कुछ सामान्य निर्देश जिसे हम लोग पहले भी जान चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं फिर से। परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। जल्दी से देख लेते हैं प्रश्नों को बारी बारी से, फिर इसका हल हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है लिंगा अनुपात को परिभाषित करें। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रदूषण को परिभाषित करें। चौथा प्रश्न है तेलहन फसल किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है। छठा प्रश्न है इंटरनेट क्या है। सातवां प्रश्न है नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। आठवां प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष को लिखें। नौवा प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। दसवां प्रश्न है भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। ग्यारहवां प्रश्न है अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। बारहवां प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तेरहवां प्रश्न है लौह एवं अलौह खनिज में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। 14वां प्रश्न है प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 15वां प्रश्न है चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। 16वां प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। 17वां प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। 18वां प्रश्न है भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखें। 19वां प्रश्न मानचित्र कार्य से संबंधित है। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाएं। यहाँ कुछ भारत के कुछ नगरों का नाम दिया गया है, इसको भारत के मानचित्र में दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। गाँव में दिया गया है विशाखापत्तनम, खा में राउरकेला, गाँव में जमशेदपुर और घा में दुर्गापुर और अंगा में सेलम। अब जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 7 तक है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है लिंगानुपात को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है किसी क्षेत्र में पुरुषों
और स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अलग अलग देशों में पुरुषों और स्त्रियों को आधार बनाकर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे भारत में पुरुषों को आधार बनाकर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात का परिभाषा इस प्रकार है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यही उत्तर हम लोग को यहाँ से लिखना है एक लाइन में, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, ऐसे संसाधन को ऊर्जा संसाधन कहा जाता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, उपली आदि। तीसरा प्रश्न है, प्रदूषण को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है, पर्यावरणीय घटकों जैसे जल, वायु, भूमि आदि में मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्ट या अवांछित पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता में होने वाली कमी या ह्रास को प्रदूषण कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, तिलहन फसल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, उन फसलों को तिलहन फसल कहा जाता है जिसके बीजों से खाद्य तेल या वनस्पति तेल की प्राप्ति की जाती है, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तोरिया, सूरजमुखी, तिल आदि। पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर है, ओजोन परत का क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसे गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण हो रहा है। छठा प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? तो इसका उत्तर है, इंटरनेट नेटवर्कों का संजाल है जिसमें जुड़े हुए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि उपकरणों से डाटा अर्थात सूचनाओं को टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसका पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। इसमें सभी नेटवर्क डिवाइस नेटवर्क के माध्यम से डाटा सेंटर अर्थात सर्वर से जुड़े होते हैं। सातवां प्रश्न है, नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर है, नीरू मीरू कार्यक्रम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया जाने वाला जल संभर प्रबंधन है जिसमें लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे वर्षा जल संग्रहण हेतु ताल, तालाब, बांध आदि का निर्माण करने से संबंधित है। तो यहाँ तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। इनमें से जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आता हो, जिसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, तो इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, साथ ही साथ 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो 8वां प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष को लिखें। तो इसका उत्तर है, पाइपलाइन परिवहन की सहायता से तरल अर्थात पेट्रोलियम, जल, सीवर तथा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसके गुण और दोष निम्नलिखित इस प्रकार है। पहले गुणों का चर्चा करते हैं। गुणों में पहला गुण है, पाइपलाइनों को कठिन अथवा उबड़ खाबड़ क्षेत्रों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। दूसरा प्रमुख गुण है, यह परिवहन का तीव्र, सस्ता एवं पर्यावरण हितैषी साधन है। तीसरा गुण की बात करें तो पदार्थों का परिवहन अबाधित रूप से निरंतर किया जा सकता है। और चौथा गुण जो है, इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस पाइपलाइन परिवहन के दोषों के विषय में चर्चा करते हैं। तो इसका दोष में पहला दोष है, इसको एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा प्रमुख दोष है, पाइपलाइन के रिसाव का पता लगाना भी कठिन होता है। और तीसरा दोष है, इसके रिसाव को मरम्मत करना भी कठिन होता है। चौथा दोष है, कुछ क्षेत्रों में इसकी सुरक्षा व्यवस्था करना कठिन है। तो ये पाइपलाइन परिवहन के गुण तथा दोष हैं। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, ऐसे ऊर्जा संसाधन को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है जो समाप्त होने वाले नहीं होते हैं अर्थात सनातन होते हैं। इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। बारी बारी से इनके विषय में एक एक लाइन में देखते हैं। सौर ऊर्जा, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। दूसरा पवन ऊर्जा था, तो पवन ऊर्जा, प्रवाहित पवन के पवन चक्कियों की सहायता से टर्बाइन को चलाया जाता है जिससे पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के सहायता से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है।
ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा के विषय में देखते हैं। महासागरीय ज्वार या तरंगों की सहायता से टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वहीं भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाले मैग्मा और गर्म जलीय स्रोत से भूतापीय ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। जल विद्युत ऊर्जा से आप लोग जरूर परिचित होंगे। इसमें नदी झरनों या बांधों से जल को टरबाइन में गिराकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। वहीं जैविक ऊर्जा जैव अपशिष्टों फसलों के अवशेष नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत बायोगैस को प्राप्त किया जाता है। दसवां प्रश्न है, भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ वर्ष 2011 के अनुसार विश्व का 17.5% जनसंख्या अर्थात 1,21,93,422 व्यक्ति रहते थे। भारत 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.5% थी, जो विश्व जनसंख्या वृद्धि दर से काफी अधिक है। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से यहीं से शुरू होता है। इसके निम्नलिखित कारण है, पहला गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अशिक्षा अज्ञानता, चौथा धार्मिक मान्यताएं, पांचवा पुत्र प्राप्ति की कामना, छठा बाल विवाह, सातवां स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, आठवां जलवायु और नौवां भारत की जनसंख्या नीति। ये जो कारण है, इसी के कारण से भारत में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। 11वां प्रश्न है, अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। तो इसका उत्तर है, जब किसी देश के भीतर या भौगोलिक सीमा के अंदर लोगों पशु पक्षियों का स्थानांतरण होता है तो उसे अंतर्देशीय प्रवास कहा जाता है। इसे आंतरिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। वहीं जब लोगों पशुओं पक्षियों का स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार करने के पश्चात देश के बाहर उत्प्रवास या अन्य देशों से देश के भीतर अप्रवास होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर है, विभिन्न उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला कृषि आधारित उद्योग, दूसरा खनिज आधारित उद्योग, तीसरा रसायन आधारित उद्योग, चौथा वन आधारित उद्योग और पांचवा पशु आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग, कृषि उत्पादों से कच्चा माल प्राप्त करके उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कॉफी उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग, जूट उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योगों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, धात्विक उद्योग और अधात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग को पुनः लौह उद्योग और अलौह उद्योग में विभाजित किया जाता है। लौह उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, वहीं अलौह उद्योग के अंतर्गत तांबा एल्युमिनियम रत्न आभूषण आदि को शामिल किया जाता है। वहीं अधात्विक उद्योग में सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन को शामिल किया जाता है। तीसरा रसायन आधारित उद्योगों में पेट्रो रसायन, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशे का उद्योग, नमक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग को शामिल किया जाता है। वहीं चौथा जो प्रकार है कच्चे माल के आधार पर, वह है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग के अंतर्गत कागज, फर्नीचर, लाख, तारपीन का तेल आदि उद्योग को शामिल किया जाता है। पांचवा वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का, तो वह है पशु आधारित उद्योग। इसके अंतर्गत चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, बटर, पनीर उद्योग को शामिल किया जाता है। 13वां प्रश्न है, लौह एवं अलौह खनिज के उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, उन धात्विक खनिजों को लौह खनिज कहा जाता है जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसके अंतर्गत लौह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, निकेल, जस्ता, मैग्नीज को शामिल किया जाता है। वहीं अलौह खनिज उन धात्विक खनिजों को कहा जाता है जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी आदि को शामिल किया जाता है। 14वां प्रश्न है, प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, मानव क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न अवांछित तत्वों के स्वच्छ जल में मिलने से उसकी गुणवत्ता में ह्रास को जल प्रदूषण कहा जाता है। और प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों में कई जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती है। प्रदूषित जल के कारण सामान्यतः दस्त, जिसे डायरिया कहा जाता है, पेचिश, आंतों के कृमि, प्ली
या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में दूषित जल के उपयोग से 1/4 संक्रमण रोग जल जनित होते हैं। इनमें से 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न था जो आप लोगों को सबसे अच्छा लगे, जिससे जिस पर आपकी सबसे अच्छी पकड़ हो उन प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विषय में जानते हैं। प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, 15वां प्रश्न, चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। हालांकि चावल की खेती बारहो मास की जाती है, परंतु भारत में इसे प्रमुख खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। खरीफ के ऋतु में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। ज्यादातर इसकी बुआई मानसून आगमन के साथ शुरू किया जाता है। चावल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आदर्श भौगोलिक दशाएं उपयुक्त मानी जाती है। तापमान की बात करें तो तापमान चावल उत्पादन के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। चावल की बुवाई के समय 21 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान माना जाता है। वहीं वर्षा की बात करें तो इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, किंतु 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई की सुविधा होना अति आवश्यक होता है। वहीं मृदा की बात करें तो चीका युक्त दोमट मृदा चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा भी काफी उपयुक्त होती है। भूमि या धरातल की बात करें तो बहुत कम ढाल वाली भूमि उपयुक्त होती है। पर्वतीय ढलानों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती की जा सकती है। पहाड़ के समतल मैदान एवं नदी डेल्टा इसके लिए आदर्श भूमि होती है। मानव श्रम की बात करें तो चावल की कृषि में बहुत कम कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य हाथों द्वारा किया जाता है, जैसे फसल को लगाने, खरपतवार को हटाने, फसल की कटाई आदि। इसके लिए सस्ते श्रमिकों का होना अति आवश्यक होता है। भारत में चावल उत्पादन का वितरण किस प्रकार है देखते हैं। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वर्ष 2015 के अनुसार विश्व के कुल चावल उत्पादन का 21.2% भाग भारत के द्वारा किया गया था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में सिंचाई सुविधा के साथ लगभग सभी राज्यों में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन की दृष्टिकोण से पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, असम में एक साल में चावल की 3-3 फसलें अमन, औस, बोरो के रूप में उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा भी कहा जाता है। अन्य उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य है। यहाँ पर भारत में चावल उत्पादन के वितरण दिया गया है। ये जो गहरे हरे रंग से दिखाया गया है, ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। वहीं गौण जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, जहां पर मुख्य फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है, वह पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना का कुछ भाग है, साथ ही साथ पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाती है। तो ये इस प्रश्न में मानचित्र देना अति आवश्यक है। आप लोग मानचित्र का भी अभ्यास जरूर कर लें। इस तरह के वितरण वाले, चाहे खनिज का वितरण वाले प्रश्न आए या फसलों के वितरण वाले प्रश्न आए, तो उसमें मानचित्र देना अति आवश्यक होता है। मानचित्र का भी अभ्यास आप लोग जरूर करें। 16वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है, वर्षा के अतिरिक्त जल को संरक्षित करने के लिए नलकूपों, गड्ढों, कुओं, तालाबों, बांधों के माध्यम से जल को एकत्रित करने की विधि को वर्षा जल संरक्षण कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए अलग अलग भागों में अलग अलग उपायों को अपनाया जाता रहा है। जैसे राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के लिए कुंड अथवा टाका या एक प्रकार का ढका हुआ भूमिगत टंकी होता है, जिसमें जल संरक्षित किया जाता है, का उपयोग वर्षा जल संरक्षण के लिए किया जाता है।
झारखंड में डोभा निर्माण कार्यक्रम उदाहरण है। ऐसे कई उपाय हैं जिससे कम लागत में वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख उपाय निम्न इस प्रकार हैं, जैसे छत में वर्षा जल का संग्रहण, जिसे पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंकों में प्रवेश किया जा सकता है या भूमिगत जल में प्रवेश किया जा सकता है। पुराने कुओं का पुनर्भरण, पुराने कुओं में वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। बेकार हैंड पंपों का पुनर्भरण, जल स्रोतों का निर्माण, ढालनुमा भूमि के निचले हिस्सों में छोटे छोटे ट्रेंच या खाइयों का निर्माण, नदियों को जोड़कर अधिक जल क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों की ओर जल का स्थानांतरण, छोटे छोटे सरिताओं पर जल बंधिकाएं और रोक बांध का निर्माण, छोटे बड़े तालाबों का निर्माण जैसे झारखंड सरकार की डोभा निर्माण परियोजना, पर्वतीय ढलानों में सीढ़ीनुमा खेती का निर्माण करके वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है। 17वां प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, किसी भी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उत्पादन लागत कम से कम हो और लाभ अधिक से अधिक हो। इसके लिए किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापित या अवस्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे पहला, पूंजी तक अभिगम्यता, पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए उद्योगों को स्थापित करने के लिए। दूसरा, कच्चे माल की पूर्ति तक अभिगम्यता, आसपास के क्षेत्रों में कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तीसरा, सस्ते श्रमिकों तक अभिगम्यता, उद्योगों में अधिक मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तथा आसपास के क्षेत्र सस्ते श्रमिक वाले होने चाहिए। चौथा, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, सारे उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, या तो कोयला या जल विद्युत वाले शक्ति के साधन नजदीक होने चाहिए उद्योगों की अवस्थिति। पांचवा, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, कच्चे माल को उद्योग तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए सुविकसित परिवहन जाल तंत्र होना चाहिए। छठा, बाजार तक अभिगम्यता, उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बड़ा बाजार की आवश्यकता होती है, तथा आसपास बड़े बाजार भी होने चाहिए। सातवां, उद्योगों के प्रति सरकार की नीति, उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार को उदारवादी, उद्योग के प्रति उदारवादी नीति होनी चाहिए, तभी उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। आठवां, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध, जब एक आधारभूत स्थापित किए जाते हैं उस पर आश्रित उद्योग आसपास स्थापित किए जाते हैं, जिससे दोनों उपभोक्ता उद्योग तथा आधारभूत उद्योग दोनों के लिए लाभदायक होता है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसको उदाहरण से समझाना है या उदाहरण सहित व्याख्या करना है, तो हम लोग झारखंड के जमशेदपुर का उदाहरण लेते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित किए गए लोहा इस्पात उद्योग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जमशेदपुर के आसपास लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में सस्ते श्रमिकों की स्थिति भी पाई जाती है। कोलकाता, रांची, जमशेदपुर जैसे बड़े बाजार भी उपलब्ध हैं। स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी द्वारा जलापूर्ति भी की जाती है। सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का सुविकसित जाल है, जिससे कच्चे माल को लाने तथा तैयार माल को बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसको पर निर्भर कई उपभोक्ता उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिससे समूहन का लाभ भी मिलता है। 18वां प्रश्न है, भारत में नगरों के विकास के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखें। तो इसका उत्तर है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर लोगों के उत्प्रवास से नगरों की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है। 2011 के अनुसार भारत के नगरीय क्षेत्रों में लगभग 31% जनसंख्या निवास करती है। भारत में तीव्र गति से नगरीकरण के विकास से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ पर्यावरणीय समस्याएं निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला, अत्यधिक वाहनों के कारण निकलने वाले मिसाइले धुआं वायु प्रदूषण में वृद्धि कर रहा है। नगरों में स्थापित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले धुआं भी वायु प्रदूषण फैला रहा है।
तीसरा औद्योगिक अपशिष्टों से भूमि वायु तथा जल प्रदूषित हो रहा है। चौथा घरेलू कचरे जैसे ठोस और तरल दोनों से वायु जल और भूमि प्रदूषण में वृद्धि हो रहा है। पांचवा है विभिन्न प्रकार के वाहनों तथा यंत्रों से निकलने वाली आवाजें ध्वनि प्रदूषण का कारण बन रही है। छठा है नगरीय गंदी मलिन बस्तियों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। सातवां है नगरों के विकास से वन तथा कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और आठवां पूरा शहर कंक्रीट इमारतों से ढका होने के कारण भौम जल स्तर में पुनर्भरण की समस्या हो गई है, जिससे भौम जल स्तर और भी नीचे चला गया है। और नौवां अत्यधिक वायु प्रदूषण से शहरों में धूम कोहरा अम्लीय वर्षा आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित है, मानचित्र कार्य है। प्रश्न है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। क विशाखापत्तनम, ख राउरकेला, ग जमशेदपुर, घ दुर्गापुर और अंगा सलेम। तो इसको जो आप लोगों को मानचित्र मिलेगा ब्लैंक मानचित्र, उसमें इन शहरों को प्रदर्शित करना है भारत के। ये मुख्यतः औद्योगिक नगर है, विशाखापत्तनम तेल शोधक कारखाना है, वहीं राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर जो है वह लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, साथ ही सलेम जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसको देखते हैं भारत के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। यह है भारत का मानचित्र। यहाँ पर काम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के तटीय नगर है, यह एक पोत भी है, साथ ही साथ यहाँ तेल शोधक कारखाने हैं। राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है, झारखंड का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। घा में दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। वहीं अंगा जो है वह सेलेम, सेलेम तमिलनाडु में स्थित है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल विषय से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।